हेलो माय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस इंग्लिश यूट्यूब क्लास। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव टीच यू द पजेसिव फॉर्म ऑफ ए नाउन। किसी संज्ञा का पजेसिव फॉर्म संबंध कारक रूप। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंध कारक विशेषण। द पजेसिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव किसी संज्ञा का पजेसिव रूप संबंध कारक रूप। इन नाउन वी रेड, संज्ञा में हमने पढ़ा कि संज्ञा को पजेसिव फॉर्म में बदलने के लिए वी यूज अपोस्ट्रोफी एंड एस। संज्ञा को पजेसिव फॉर्म में बदलने के लिए अपोस्ट्रोफी ये चिन्ह और एस लगाते हैं, जिसे राम्स, राम्स बुक राम की पुस्तक, सोहन्स कार सोहन की कार, राहुल्स बेट राहुल का बेट। बट नाउ दैट इज द पजेसिव फॉर्म ऑफ ए नाउन, वो संज्ञा का पजेसिव रूप था। आई एम गोइंग टू टीच यू पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंध कारक विशेषण। संबंध कारक विशेषण, दीज आर द पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये पजेसिव विशेषण है। माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। माई का मतलब मेरा, और में से हमारा, योर में से तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, इट्स उनके, देयर उनके। ये किसी संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा से अपना संबंध स्थापित करते हैं, अपना स्वामित्व दिखाते हैं। These adjectives show their relations with the other noun and show their position, अपना अधिकार प्रदर्शित करती है संज्ञा। ओके, माई मीन्स मेरा, और में से हमारा, योर में से तुम्हारा, हिज में से उसका, हिज में से हर में से उसकी, इट्स में से इनके, और दियर में से उनके। ये इनका हिंदी अर्थ है। ओके, सो दीज आर द पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स है जो किसी संज्ञा से पहले अपना स्वामित्व प्रदर्शित करती है, जैसे माई, माई कार, माई स्कूल, माई फादर, माई टीचर। अब माई के बाद जो संज्ञा यूज हुई है उनका मेरे से संबंध है, मेरा उन पर स्वामित्व है। जैसे माई कार, इसका मतलब मेरी कार, माई स्कूल मेरी स्कूल, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता। यानी माई के बाद जो संज्ञा यूज हो रही है उन पर अपना स्वामित्व प्रदर्शित कर रहे हैं, उन पर अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। ओके, तब उन संज्ञाओं से पहले माई यूज होता है। किसी संज्ञा से पहले एडजेक्टिव लग रही है इसका मतलब उस एडजेक्टिव का उससे संबंध है। ओके, हियर इज नेक्स्ट ओवर, ओवर में से हमारा, ओवर स्कूल, ओवर पेरेंट्स, ओवर ब्रदर, ओवर फादर, ओवर टॉयज, ओवर स्कूल, ओवर के बाद कोई ना कोई संज्ञा आएगी, उस संज्ञा से संबंध स्थापित हो रहे, हमारी स्कूल, हमारा घर, हमारा खेत। ओके, ओवर के बाद कोई ना कोई संज्ञा आएगी, माई के बाद भी कोई ना कोई संज्ञा आती है। ओके, योर, योर में से तुम्हारा, आपका, योर फील्ड आपका खेत, योर बुक आपकी बुक, योर मोबाइल आपका मोबाइल, योर बैग आपका बैग। यानी योर आपका और उसका संबंध प्रदर्शित कर रहा है आपकी क्या क्या चीजें, और संबंध को शो करने के लिए योर का यूज होता है, माई का यूज होता है, और का यूज होता है। हिज, हिज में से उसका, थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है हिज। हिज कार उसकी कार, हिज बैग उसका बैग, हिज फील्ड उसका खेत, हिज मोबाइल उसका मोबाइल, हिज का संबंध उससे। हर भी इसी प्रकार से हर सा संबंध दूसरे से हो रहा है, जैसे हर में से उसकी, हर क्लॉथ उसके कपड़े, हर टाई उसकी टाई, हर स्कूल उसकी स्कूल, हर पेन उसका पेन उसकी, हर का यानी संबंध उससे दूसरे से प्रदर्शित, संज्ञा से प्रदर्शित हो रहा है। इट्स, इट्स निर्जीव के लिए यूज होता है, जैसे इट्स लेग इसकी टांग, इट्स रूफ इसकी छत, है ना। इट्स निर्जीव के लिए यूज होता है। दियर में से उनके, प्लूरल के लिए दियर यूज होता है, दियर का संबंध किसी और से हो। तो इनके तुरंत बाद नाउन यूज होता है
और उन नाउन का संबंध या स्वामित्व ये शो करती है एडजेक्टिव। हेयर आर सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। ओके, आई प्ले बास्केटबॉल विद माई फ्रेंड। आई प्ले में खेलता हूँ बास्केटबॉल विद माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ। माई का संबंध किस पर स्थापित हो रहा है? फ्रेंड पर। मैं मेरे फ्रेंड के साथ खेलता हूँ। आई और आई का संबंध कारक रूप होता है माई। मैं मेरे फ्रेंड के साथ बास्केटबॉल खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ। नेक्स्ट, यू आर ए स्टूडेंट, वॉश योर हैंड। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। वॉश योर हैंड, योर हैंड में से आपके हाथ। योर का संबंध हाथों से, योर का हाथों पर स्वामित्व है। योर हैंड आपके हाथ। वॉश योर हैंड, आपके हाथ साफ करो। यानी योर का संबंध किससे बताया जा रहा है? हैंड से बताया जा रहा है। ही इज ड्राइविंग हिज कार। ही में से वह है, ड्राइविंग चला रहा है। हिज कार अपनी कार, वह अपनी कार चला रहा है। हिज का स्वामित्व किस पर संबंध किससे है? कार से है। वह अपनी कार चला रहा है, उसकी कार चला रहा है, अपनी कार चला रहा है। अब यहां देखो, जो ये प्रोनाउन यूज हो रहा है, सॉरी एडजेक्टिव यूज हो रही है, वो कार के अनुसार यूज नहीं हो रही है, ही के अनुसार यूज हो रही है। कार के अनुसार यहां इट्स नहीं लगा सकते। ही इज ड्राइविंग हिज कार, वह अपनी कार चला रहा है। इट इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। इट्स टीथ, इसके दांत। किसके? बिल्ली के दांत। इट्स टीथ यानी दांतों का, जो बिल्ली है, इट्स टीथ इसके दांत, यानी इट्स का दांतों पर अधिकार है, स्वामित्व है। इसके दांत, बिल्ली के दांत, आर वेरी शार्प, बहुत तेज है। अब यहां दांतों के लिए इट्स यूज नहीं हुआ है, बल्कि इट के लिए इट्स यूज हुआ है। कैट के लिए इट यूज हुआ है। इट इज ए कैट, ये बिल्ली है। इट्स टीथ, इसके दांत। यदि टीथ के लिए यूज होता, देयर यूज होता, लेकिन देयर गलत है। जो एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यूज होती है, वो संज्ञा के अनुसार यूज होती है। ओके, कैट के लिए इट्स यूज हुआ है, न कि टीथ के लिए। ओके, इट्स टीथ, इसके दांत। दे आर द स्मार्टेस्ट किड्स, वे चतुर बच्चे हैं। किड्स में से बच्चे, स्मार्टेस्ट में तेज, चतुर। दे आर द स्मार्टेस्ट किड्स, वो स्मार्ट बच्चे हैं। दियर हाउस, उनका घर। अभी दियर यूज हुआ है, वो बच्चों के लिए यूज हुआ है। दियर हाउस उनका घर, उनका घर है, घर पर उनका स्वामित्व है। दियर हाउस उनका घर। इज वे इज नियर द सिटी, शहर के पास है। अब दियर यूज हुआ, वो किड्स के लिए यूज हुआ है, और दियर अपना स्वामित्व बता रहा है, घर पर अपना संबंध बता रहा है, इसलिए क्या हो गई? पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव संबंध कारक है, संबंध कारक विशेषण है। वी बिगेन अवर वर्क एट नून। वी बिगेन, हमने शुरू किया, और वर्क हमारा कार्य। अब वी के लिए और यूज हुआ है, और क्या बता रहा है? हमारा कार्य, यानी कार्य का संबंध और से है। हमारा कार्य, हमारा कार्य यानी कार्य पर हमारा स्वामित्व है, संबंध है, इसलिए और क्या कहलाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, संबंध कारक विशेषण। ओके, सो दीज आर द पजेसिव एडजेक्टिव्स, दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इन पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोज हु आर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, सो दैट द चैनल मे बी प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।